एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे बेटे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि अब आप लोग मेरे लाइफ का एक पार्ट बन चुके हो, तो मैं सोची कि ये आप इम्पॉर्टेंट दिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अभी मॉर्निंग का बज रहा है 8:30 और मैं अपने एक गिलास गर्म पानी के साथ अपने आप को रिफ़्रेश करने बैठी हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है। फिर मैं अपने बेटे के साथ लग जाती हूँ, उससे कुछ खिलाती हूँ, फिर उसके साथ खेलती हूँ और फिर उसे मसाज करती हूँ और फिर मैं उसको हैंडओवर कर देती हूँ उसके पापा को। तो वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, खेलता है और फिर उसके पापा उसे अपने साथ ले जाते हैं नहलाने के लिए। तो अभी हम लोग सबको ही नहा के रेडी हैं। आज है बसंत पंचमी और आप लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी। आज हम अपने बेटे का विद्या आरंभ संस्कार करने जा रहे हैं। इस रिचुअल में हम सरस्वती पूजा के दिन पहली बार बच्चे को छूने देते हैं और आज के बाद बच्चे अब पेन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और लिखना शुरू कर सकते हैं। शिवाय को मैं पहले से ही बुक्स इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, बट अब से मैं उसे लिखना भी सिखाऊँगी। हम बसंत पंचमी में येलो येलो ड्रेस पहनते हैं। तो आज के दिन मैंने अपने बेटे को फिशर प्राइस का टैब दिया, ये हम नागपुर से लेके आए थे। तो मुझे ये आज का दिन बहुत ही सही लगा उसे ये टैब देने के लिए। अभी दिन का बज रहा है 1 और हमारा सडन प्लान हो गया लिलोरी स्थान जाने का। काफ़ी दिन से मैं इस मंदिर के बारे में सुनी थी, बट हम लोगों का जब भी प्लान बनता था तो वो किसी ना किसी कारण से कैंसिल हो जाता था। धनबाद से यहाँ आने में हमें अप्रॉक्स 1 घंटा लगा। ये मंदिर कतरास में है, तो आज फाइनली हम यहाँ आ पाए। ये है मंदिर का प्रीमाइसिस। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था हमें इस मंदिर में। जब हम यहाँ पहुँचे तो पट बंद था। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद पट खुल गया, तो हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। तो जैसे ही पट खुला तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो पाया इस मंदिर में और यहाँ पे हम आरती में भी शामिल हो पाए और जो भोग का प्रसाद जो लगता है, जो मेन प्रसाद होता है, वो भी हमें मिला। तो बहुत लकी फील कर रही थी मैं कि मैं इतने अच्छे से दर्शन कर पाई लिलोरी माँ की। और सबसे सुनती थी कि 1 से 2 घंटा लग जाता है, लाइन में लगना पड़ता है 1 से 2 घंटा दर्शन के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। तो जब हम दर्शन करके बाहर निकले तो शिवाय को यहाँ पे एक बॉल दिखा शॉप में, तो वो सोचा कि ये बॉल उसका है क्योंकि सेम बॉल उसके पास है घर पे भी, और वो सोचा कि वही बॉल है और वो जो शॉपकीपर था उससे मांगने लगा और वो कह रहा था कि मेरा बॉल दे। तो आजकल शिवाय तोड़ तोड़ के भी सेंटेंस बोलने लगा है। तो फिर हम ये बॉल शिवाय के लिए परचेज़ किए। अभी दिन का बज रहा है 3 और हम लोगों को काफ़ी भूख लग चुकी है। हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट हुआ था वो अराउंड 10:30 हुआ था घर पे, तो हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग लंच बाहर ही कर लेते हैं। तो लंच के लिए हम आए वाह जी वाह जो है सिटी सेंटर में। आज क्योंकि फेस्टिवल है तो हम नॉनवेज खाना अवॉइड करते हैं, इसलिए हम वाजीवा गए। क्योंकि ये वेज रेस्टोरेंट है, अभी ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है धनबाद में। एम्बियंस बहुत अच्छा था, लाइव किचन है, फूड का वैरायटी बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि टेबल पे लोग सैनिटाइज़र देते हैं और खाने से पहले आप अपने हैंड को अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ कर लीजिए। और रही फूड की बात, तो फूड काफ़ी टेस्टी है यहाँ का। अगर आप धनबाद के हो और आप वेजिटेरियन खाना प्रेफर करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का फूड। और जो सर्विस भी है वो भी काफ़ी अच्छा हमें लगा, और जो जिस तरीके से उन्होंने फूड को भी सर्व किया था वो भी बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में वो लोग पर्सनलाइज्ड शैशे में माउथ फ्रेशनर भी दिए हमें। तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आपका भी दिन कुछ इसी तरह का रहा होगा। तो सरस्वती पूजा में आप लोगों ने क्या किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।